हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं आज आई हूँ मैक्सिस मॉल में शॉपिंग करने के लिए। मैक्सिस मॉल भयंदर बेस्ट में बहुत ही बड़ा मॉल है। यहाँ पे ईस्ट बेस्ट और दूर दूर से पब्लिक शॉपिंग करने के लिए आती है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना गाइस। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझना कि आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि आप लोग ऐसी एरिया, ऐसा प्लेस, ऐसा मॉल कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको देखने के लिए आप लोगों को मुंबई आना पड़ेगा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में ही इस मॉल को दिखाऊँगी। आप लोगों को मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग लास्ट में बने रहना। ये बहुत ही हाई फाई और सुपर डुपर मॉल है। इसके अंदर तो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए, मैं अंदर चल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। जो बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मैक्सिस मॉल का ही ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, सब पब्लिक शॉपिंग के लिए। या यहाँ पे देख पा रहे होंगे पार्किंग में कितनी गाड़ी और ऑटो टैक्सी, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आप लोगों को दिख रही हूँ। तो अभी मैं गेट के पास आ गई हूँ गाइस। यहाँ पे आप गेट में ही देख पा रहे होंगे कि कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो अंदर का ये नज़ारा कैसा होगा, ये मॉल अंदर से कैसा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा मॉल है और ये बहुत फैंसी मॉल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैंसी लोग आते हैं, हाई फाई लोग आते हैं, एक्टर लोग आते हैं। तो ये मैं अभी मॉल के अंदर आ गई हूँ गाइस। मैं ग्राउंड फ्लोर में ही खड़ी हूँ, जस्ट गेट के अंदर आई हूँ। तो अभी मैं गेट के अंदर आके यहाँ पे घूम रही हूँ, देख रही हूँ। पहले मैं पूरे मॉल में अच्छी तरह से घूमूंगी, लेकिन मैं पूरा मॉल एक ही दिन में नहीं घूम पाऊँगी गाइस। ये मॉल बहुत बड़ा है, इसको घूमने के लिए मुझे दो तीन दिन आना पड़ेगा। सो एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा मॉल नहीं दिखा पा रही हूँ आज मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं जितना दिखा पा रही हूँ उतना दिखाऊँगी आप लोगों को आज ही। सो गाइस, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, प्लीज़ बने रहना, नहीं आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे लोग डांस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो चलिए, थोड़े टाइम के लिए ये भी देखते हैं। अभी मैं मॉल के अंदर आ चुकी हूँ गाइस। यहाँ पे सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है इस मॉल में। ज्वेलरी का अलग है, किराने का अलग है, ड्रेस कपड़े का अलग है, फुटवेयर्स अलग है, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैं अभी शायद किराना स्टोर में ही आ गई हूँ, किराना वाले में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ खाने पीने की क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं थोड़ा देख लेती हूँ। सो गाइस, पहले मैं पूरा चेक करूँगी कि मेरी ज़रूरत की क्या है, यहाँ पे मेरी ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या चाहिए इसमें से। सो गाइस, मैं यहाँ पे भी पूरा घूम रही, मैंने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं। तो ये मैं देख रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखती हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ कुछ शैम्पू वगैरह ही लेना है, जो मैं देख रही हूँ कि वो कहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी सामान लेके नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं बहुत दूर आई हूँ यहाँ पे और वो ले जाने में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं हल्का सामान ही लेके जाने वाली हूँ, जो मुझे ऑटो में लेके जाने के लिए बन सकेगा। सो गाइस, यहाँ पे अभी सब
बहुत हैवी हैवी सामान है, मैं शैम्पू वगैरह ही थोड़ा सा लेके जाऊंगी, ऑयल और शैम्पू और कुछ बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह ये मैं लेने वाली हूँ। सो गाइस, पहले मैं पूरे मॉल में अच्छी तरह से घूम लेती हूँ, तो चलिए आपको भी पूरा मॉल दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं कपड़े की शॉपिंग करूँगी। सो गाइस, आप लोग लास्ट तक बने रहना, आप लोग देखना कि मैं कौन कौन सी शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत थोड़ी ही शॉपिंग करूँगी, यहाँ पे मैं थोड़ा ही टाइम लेने वाली हूँ। जब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, अब मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ, फिर वापस से मैं हॉल में आ गई हूँ और आप लोगों को ये पूरा मॉल नीचे से ही दिखा रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर से दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे खड़े होकर कैमरे को घुमा रही हूँ, आप लोग इसे बड़ी अच्छे तरह से देखना गाइस। और मैं पहले आप लोगों को पूरा मॉल घुमा देती हूँ, इसके बाद मैं शॉपिंग करूँगी। Thank you.
गाइस अभी ग्राउंड फ्लोर में मैंने पूरे मॉल को घूम लिया है। अब यहाँ पे अभी हम लोगों के घर जाने का टाइम हो गया। सो यहाँ पे प्रियम को ये बॉटल बहुत पसंद आया और वो मुझे प्राइस बता रहा है, मम्मा यहाँ पे प्राइस लिखा है और मुझे ये बॉटल दिला दो, तो मैंने उसको बॉटल दिलाया। अभी मैं गेट के बाहर आ गई हूँ, मैं एक्सेस मॉल के बाहर। सामने ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही प्यारा गार्डन दिख रहा है। इस गार्डन में बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। गार्डन से निकलने वाले जो पब्लिक रहती है, पेरेंट्स रहते हैं और बच्चे साथ में रहते हैं, तो बच्चों को लेकर यहाँ पे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुछ टॉयस दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। इस टॉयस में पैसे लगते हैं, इनके चार्जेस लगते हैं, इनको पैसे देने पड़ते हैं, इसके बाद इन टॉयस को बच्चे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रियम को भी किसी एक टॉयस में मैं खिलाने वाली हूँ, वो खेलेगा इसमें से, अगर खेला नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो चलिए मैं प्रियम को लेकर यहाँ पर चलती हूँ, वो इन्जॉय करेगा। और यहाँ पर सामने होटल दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने को मिल रही है। पता नहीं क्या क्या इस होटल के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को होटल देख के ही बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। प्रियम को तो भूख लग ही गई है, होटल देखते ही लग रही है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे होटल थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद ही घर पर जाएंगे।